खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से आ रही है, जहां खमरिया गांव के शमशान घाट तो बना है लेकिन वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ग्रामीण अपने निजी खेतों में ही मृतकों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। दरअसल शमशान घाट तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता पुल है, जो इन दिनों न सिर्फ टूटा हुआ है, बताया जा रहा है कि सोंढूर बांध की नहर के कटाव के कारण नहर खेत तालाब में तब्दील हो रही है। शमशान घाट के रास्ते में बना पुल लगातार बारिश के कारण टूट गया है। वहीं सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने भी आखिरकार माना कि पुल टूटने के कारण शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी मरम्मत के लिए प्रशासनिक राशि स्वीकृत की जा रही है। जल्द ही इसकी मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। बड़ा तकलीफ हुआ हो तो जब कोई ख़त्म हो जाते ना तो मिट्टी लेबर सोचना पड़ते, आदमी ले पहले जगह खोजना पड़ते। खबर मरघट्टी हो पा रहे, पुल पूरा टूट गए है ना, तो पुल इतना गड्ढा है कि कम से कम उधर 40 फीट गड्ढा हो ही ऊपर पार हो नहीं सका। तो अब यही पार कोई भी जगह खोज को जाके मिट्टी देते हैं करते, वही तो अब थोड़ा से नाली पार है ना, केनाल के जो पार नहीं बने हैं दिया के मरघट्टी की पार, वही में अब जगह खोज के देते किसी का ही। बड़ा परेशानी पड़ते हम अल्लाह और यहाँ तक के नहीं, सरपंच पंच मन घलो ध्यान नहीं दे पुड़िया के बारे में और हमल इतना दुख पड़ते। हमार वार्ड नंबर 8 के मरीज ही से तब नगरी में हमल लेके नहीं वहाँ पोस्टमार्टम करवाएं और उनसे हमारे यहाँ ओला दफना है। सरकार से ही उम्मीद लगान कि हमला पुलिया मांग चाहिए, बनना चाहिए पुलिया, तब वो प्रजाक बन ही। जी पुराना है और ये मैंने प्रयास किया था, बजट में आ भी चुका है, उसका सर्वे हो रहा है। जैसे सर्वे रिपोर्ट आएगा तो वो प्रशासन को चला जाएगा, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति की मैं खुद मंत्रालय में भिड़ के उसको प्रशासकीय स्वीकृति दिलाऊंगी, क्योंकि मेरी पहले प्रायोरिटी थी। जब मैं चुनाव में गई थी तब भी मेरे पास ये मांग आई और उस मांग को मैंने बजट में डलवा के पूरा किया है, वो बजट में आ चुका है। लेकिन अब बड़ा पुल है इसलिए बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, वो हो जाएगा।